Yes, good morning students. Today we solve question number 8 or 9 of exercise 2.10. So, dekhe question number 8. First, simplify the following expressions and then state whether the simplified numbers can be expressed as terminating or non-terminating decimal. तो पहले first simplify करेंगे numbers को, उसके बाद इसको check करेंगे कि terminating है या non-terminating. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2/5 + 1/2, तो इन हम पहले एलसीएम लेके ऐड करेंगे. तो 2 और 5 का एलसीएम है 10, और 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 2, 2 टू जा 4, प्लस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5, 5 वन जा 5, 5 प्लस 4 9/10. अब हम चेक करेंगे कि 9/10 नंबर्स आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो इसके लिए हम जो चेक करने के लिए जो डिनोमिनेटर है 10, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे. द फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 × 5, ये दो फैक्टर हैं. तो टर्मिनेटिंग के लिए अगर केवल आपके फैक्टर 2 और 5 हैं, या अकेला 2 या अकेला 5, यानी ओनली 2 या 5 या बोथ, तो देन नंबर्स इज टर्मिनेटिंग. तो इसके जो डेसिम 10 है तो ये आपका टर्मिनेटिंग है. सेकेंड, 3/4 + 1/5 + 3/2, इनको हमने एलसीएम लेके सोल्व किया 97/60. अब हमें चेक करना है डेसिमल, ये जो नंबर्स आपका ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग. तो 60 जो नंबर्स है इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे. तो 60 के प्राइम फैक्टर आपके 2 × 2 × 3 × 5, ये आपको फैक्टर्स आपको निकालने वैसे आते हैं. देखें एक बार कैसे निकालते हैं. 60 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 0. अब 2 से 1, 5, फिर 3 से 3, 5 = 15, और 5 × 1 = 5. तो 2 × 2 × 3 × 5, इस तरह आप इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे. तो यहां देखें, यहां पे फैक्टर आपके 2, 2, 3 और 5. तो पहले बताया था अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आपको मिले फैक्टर के अंदर, इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर मिले, तो वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग. अगर केवल 2 और 5 है फैक्टर तो टर्मिनेटिंग, इनके अलावा कोई भी मिले तो नॉन टर्मिनेटिंग. तो 97/60 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. बाकी थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे ट्राई. अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज रेशनल नंबर्स. इनको अपने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है एक्सप्रेस. जैसे फर्स्ट है 0.3, देखें 0.3, तो हम पॉइंट को फिनिश करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो 3, पॉइंट के नाम का 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी ही 0, तो 3/10. तो ये नंबर हो गए आपके रेशनल नंबर्स. सेकेंड है 1.54, तो 154/ पॉइंट के नाम का 1, और पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं तो 2 0, तो 154/100. अब अगर ये कटते हैं तो इनको काट देंगे. अब ये है हमारे 2 से कैंसिल होता है, तो 2 7 = 14, 2 7 = 14, और 100 होता है 50 पे, तो 77/50. ये होता है रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म. इस तरह आप बाकी इनकी ट्राई करेंगे. तो ये थे दो क्वेश्चन जो 2.10 के. अब हम एक्सरसाइज चलते हैं 2.12 के अंदर. देखें इसके आज हम सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस, डिवाइड, ये है डिवाइड के. आपको डिवाइडिंग 1.21/11 वी गेट, यहां 4 ऑप्शन आंसर के हैं, तो 1.21 को हम 11 से डिवाइड करेंगे. तो देखें कैसे, 1.21/11, तो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे. सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा आपका, जैसे 1 पॉइंट से पहले 1 है, इससे छोटा है तो 0, अब पॉइंट है तो पॉइंट, अब 2 नंबर 12, तो 11 × 1 = 11, 1 रिमाइंडर, 1 नीचे प्लेस किया, अब 11 × 1 = 11, रिमाइंडर 0, 0.11. तो ये रहेगा आंसर आपका 0.11.
ये ऑप्शन में है आपका बी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब देखिए सेकंड, डिवाइडिंग 6.35 बाई 0.05 वी गेट। अब देखिए सेकंड, 6.35 डिवाइड 0.05। अब यहाँ पे देखे दोनों के अंदर पॉइंट है, तो पहले आप दोनों को पॉइंट को फिनिश करेंगे, तो 635 पॉइंट के नाम का 1 और पॉइंट के बाद दो डिजिट है 20, डिवाइड ऐसे ही आपका 5/100। अब हम करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और जो 5/100 इसका रेसिप्रोकल, ये एज इज इसका रेसिप्रोकल। अब 100 से 100 कैंसिल और 5 से कट होगा 635, 127 पे, तो आंसर रहेगा आपका 127। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बगैर डिवाइड किए, एक्चुअल डिवाइड के बगैर आपको सोल्व करने हैं, तो 957.3 डिवाइड बाई 100। तब 100 को आप डिवाइड में नीचे लिखेंगे, 957.3 बाई 100। तब 100 के में कितनी जीरो हैं? दो, तो पॉइंट जो आपका दो डिजिट या दो प्लेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, जैसे 1 2, तब यहाँ पे हो जाएगा 1 2, अब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो जितनी जीरो हैं उतने ही लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ मूव करेंगे। सेकंड में देखें, 0.575 डिवाइड बाई थाउजेंड्स, अब इसको नीचे लिखेंगे थाउजेंड्स को डिवाइड के उसमें। अब यहाँ देखें पॉइंट यहाँ है और नीचे है 3 0, तो पॉइंट जो यहां से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 प्लेस मूव करेगा, तो 3 प्लेस यहां से 1 2 3, क्योंकि डिजिट तो है नहीं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे अपनी तरफ से, 1 2 3, 3 0 और पॉइंट। तो इस तरह हम बगैर डिवाइड के आंसर निकालेंगे, तो इन्हें आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के, बाकी पार्ट ट्राई योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 3,